मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारी हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारी हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारी हक मांगते। नमस्कार, मेरा नाम निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं रेलवे परिसर महेंद्र घाट के पास। देखिए यहाँ पर जो ALP टेक्नीशियन के जो रेलवे वाले विद्यार्थी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा मेडिकल फिटनेस तक हो गया है और अब हमें जॉब चाहिए। देखिए किस प्रकार से ये लोग इतनी कड़ी गर्मी में धूप में बैठे हुए हैं और रेलवे परिसर के आगे अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देखिए तमाम हाथों में पर्चे हैं, मेडिकल फिट अभ्यर्थियों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों। बड़ा मांग है इनका, मांग इंसाफ, NTPC GRD के तरह हमारे साथ भी न्याय करें। 2018 ALP टेक्नीशियन मेडिकल फिट अभ्यर्थियों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों, NTPC GRD में बदलाव हो सकता है तो इसमें रेलवे का बना हुआ नियम भी नहीं। हमने भी अपनी ज़िंदगी रेलवे के नाम कर दी है, अब हम घर ज्वाइनिंग मिलने के बाद या फिर हमारी अर्थी ही जाएगी। तो देखिए एक बड़ा सा बैनर लिए हुए हाथों में और तमाम जो यहाँ पर युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो लोग यहाँ आए हुए हैं और अपने न्याय का मांग कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ तकलीफें हैं आप लोग को। सर, ये वैकेंसी 2018 में ALP टेक्नीशियन की निकली थी, जिसमें कुल पद 64,371 थे। इनका CBT 1 एग्ज़ाम अगस्त 2018 में, सेकेंड एग्ज़ाम जनवरी 2019 में, CBT 2, थर्ड साइकोटेस्ट मई 2019 में, फिर अगस्त 2019 तक सारी DV मेडिकल सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, फिर भी हम लोगों को पिछले 4 साल से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, स्टैंड बाय में रखा गया है। और रेलवे का जो स्टैंड बाय का रूल है, अगर ट्रेन में भी वेटिंग लिस्ट है तो अगर ज़्यादा वेटिंग लिस्ट हो जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कोचेज लगाने पड़ते हैं, या जो नहीं आता है कैंसिल करवाते उनके जगह पे कैंसिल किया दिया जाता है जो कि वेटिंग लिस्ट का है। तो यही प्रावधान सेम टू सेम इसमें भी है, जैसे कि नोटिफिकेशन का पारा नंबर 13.14 में हम दिखाएंगे कि उसमें जो भी बच्चे छोड़ेंगे उनके जगह पे, या फिर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अगर डिमांड होता है तो उनके जगह पे हम आपको लेंगे, लेकिन ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। और रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चों का मेडिकल करवा के ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, और ये सिचुएशन कोविड के वजह से हुआ है हम मानते हैं, लेकिन फिर सारी ट्रेनें अभी नॉर्मल स्पीड में चलने लगी है, सभी चीज़ आ गई है पटरी पे, तो अब हम लोगों को लिया जाए। हमारी बच्चों का मेडिकल करवा करके और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी है, क्या क्या मुद्दा क्या है आप लोग का? मुद्दा ये है कि 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में हम लोगों का मेडिकल DV सारा कुछ कम्प्लीट करा लिया गया और अभी 3 साल होने को है और हम लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग इतने ज़्यादा मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हम लोगों का ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। देखिए तमाम जो लोग हैं वो हाथ में पर्चे लिए हुए हैं और अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग का मेडिकल हो चुका है और अभी तक हम लोग को भर्ती क्यों नहीं कराया गया, क्या कहिएगा? देखिए तीन वर्ष हो गया, तीन साल हम लोग को मेडिकल वगैरह सारा करा लिया गया है, और जब से देश आज़ाद हुआ है तब तक ले रेलवे में जिसको मेडिकल हुआ है उसको जॉब मिला है, ठीक है। और ये पहली मरतबा ऐसा चीज़ है, पहली बार ऐसा चीज़ है कि मेडिकल करा लेने के बाद किसी को जॉब नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन दीजिएगा आगे, क्या ज्ञापन वापन देने का? सर ज्ञापन हम किसको दे सर, ज्ञापन तो हम खुद रेल मंत्री जी को जाके हाथ में दे के आए हैं। हाँ, क्या बोले रेल मंत्री जी? 4 दिन अगर और बीतता है, 8 तारीख को, 8 अप्रैल को 2 महीना हो जाएगा। रेल मंत्री जी से हम 5 से 7 मिनट बातचीत हुआ और उनको हम ज्ञापन दिए, वो पूछे हमसे कि कितना स्टूडेंट पूरे इंडिया में, हम बोले कि सर 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट हम लोग हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सीट खाली हो चुका है, तो उस पर स्पेशल इंडियन के द्वारा मौका दिया जा सकता है, या जो नोटिफाइड वैकेंसी था, आप जो कहते हैं कि हम आप लोग का अधिकार सिर्फ नोटिफाइड वैकेंसी पर है, तो उसमें भी अभी 4 से 5 हज़ार सीट खाली है, 5 हज़ार लड़का को तो कम से कम अभी आप एडजस्ट कीजिए, नोटिफाइड वैकेंसी पर आप दीजिए ना पहले। आप NEC जो पोस्ट चला गया है 8 मई 2020 को आप नोटिस निकाल दिए कि मल्टी स्किल रूल के आधार पर फलना फलना ट्रेड को आप मौका देंगे ऐसे, तो उस नियम को आप इम्प्लीमेंट कीजिए कि क्या, हम वही उनको बोले तो बोले कि ठीक है दिखवाते हैं, लेकिन आगे का क्या रहेगा? आप लोग क्या NTPC के तरह आप लोग भी आंदोलन करने वाले हैं क्या? हम लोग सर, हम लोग को अभी तक इसीलिए नहीं हम लोग का बात माना जा रहा है कि हम लोग इस देश के संपत्ति को सभी को अपना समझते हैं। हम लोग मतलब पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, हम लोग
न्यायपूर्ण तरीके से अपना मांग को रख रहे हैं। वही देखिए जो कुछ उग्र अभ्यर्थी थे अपना गलत तरीके से करके, तो उसके उनको तो न्याय मिल गया ना, तो उसमें पॉलिटिक्स आ गया ना सर, वो उसमें पॉलिटिक्स शामिल हो गया। हम लोग का जो आबादी है वो कम है, इसलिए सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ भीड़ होगी वहाँ पर प्रोटेस्ट करेगा, रेल रोकेगा, ट्रेन फोड़ेगा, आग लगाएगा, तो सरकार ठीक मानती है। आज क्यों नहीं माना जा रहा? इतने लड़के धूपों में घूम रहे हैं, मार रहे हैं, रेलवे को कुछ खबर नहीं है? रेल मंत्री जी खुद आशुतोष जी मिल करके आए हैं, क्या कर रहे हैं रेलवे मंत्री वहाँ बैठ करके? जो इतने लड़के को मेडिकल करा लिए आप, जॉइनिंग नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे आप जॉइनिंग? जबकि सीट खाली है, सीट अवेलेबल है। आरटीआई के माध्यम से पता लगा है, हम लोग की संख्या जितना है उससे 3 से 4 गुना सीट खाली हम लोग का है। देखिए 3 से 4 गुना सीट खाली है तब भी इनका भर्ती नहीं हुआ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग का मेडिकल करा लिया गया है, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है, तब भी हमें जॉब नहीं मिल रहा है, क्या कहिएगा? आप कहे आए हैं यहाँ पे? आए थी टेक्नीशियन वेटिंग में, 4 साल से वेटिंग है, उसको कंफर्म है? टेक्नीशियन में वेटिंग है 4 साल से। हम लोग टेक्नीशियन विद्यार्थी है, मेडिकल फिट है, हम लोग को जॉइनिंग नहीं दिया जा रहा है, उसी के मांग में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप लोग आंदोलन भी करिएगा? आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे जी। क्या मुद्दा है? मुद्दा सर एलपी टेक्नीशियन का वेटिंग हम लोग का क्लियर 3 साल से अभी नहीं हो चुका है सर, उसी के बारे में हम लोग अभी मैंने कि यहाँ एथी कर रहे हैं। अभी हम लोग को 3 साल हो गया फिर भी नहीं ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, उसी के बारे में। देखिए ये एलपी टेक्नीशियन के छात्र हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी परीक्षाएं हुई उसके बाद मेडिकल प्रक्रिया पूर्ण तरह किया गया, और देश में पहली बार इस तरीके से हुआ है कि मेडिकल प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी जो है जॉब नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये लोग जो हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़कों रेलवे परिसर में इतनी कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, और इनका साफ तौर पर हाथों में तिरंगा लेते हुए अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें ज्वाइनिंग दो। देखिए साफ तौर पर जिस प्रकार से ये लोग बैठे हुए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें मेडिकल फिट को जॉब दो। हालांकि जब कुछ लोगों से हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना न्याय मांग रहे हैं, तो हमें न्याय मिलने में देरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग रेल तोड़ते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उनको तो न्याय मिल जाता है। हालांकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बस अपनी बात को रख रहे हैं, तो हमें भी न्याय जरूर मिलना चाहिए। और भी अपडेट देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। ध्यान धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारी हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारी हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारी हक मांगते नहीं किसी से।